दिल्ली में शराब घोटाले का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। लगातार इस पर ईडी का एक्शन सामने आ रहा है। अब दिल्ली के शराब घोटाले मामले में ईडी एक बार फिर एक्शन में है। आपको बता दें कि परिवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु समेत 30 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईडी के निशाने पर शराब कारोबारी है। हालांकि ईडी की छापेमारी में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का घर शामिल नहीं है। नई शराब नीति को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वहीं ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं मिला। अब ईडी के छापे मारेंगे, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। देश में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं उसे रोकने का काम हो रहा है, लेकिन उसे रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर ले, ये ईडी यूज कर ले, उसे रोक नहीं पाएंगे, शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। मेरे पास ज्यादा सूचना नहीं है, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। 4 स्कूलों के नक्शे और उन्हें मिल जाएंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। मालूम हो कि शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की थी। इसके बाद सिसोदिया के बैंक लॉकर की भी जांच की गई थी। सिसोदिया ने इसी छापेमारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है।